हेलो वन माइन वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो से कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 111 से लेकर 120 के बारे में जो चैप्टर एट हैं उसके कंटिन्यू में ये वीडियो बन रही है इससे पहले के जो सेक्शन है सेक्शन वन से लेकर सेक्शन वन तक वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं अगर ये सेक्शंस को आपने समझना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए आप सेक्शन 106, 106 से लेकर 110 बिल्कुल क्लियर होने चाहिए तभी ये जो सेक्शंस हैं समझ आएंगे आपको क्योंकि उन्हीं के कंटिन्यूस में जो ये सेक्शंस हैं तो ये जो सभी सेक्शंस है सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए इसमें से कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस, उसी अकॉर्डिंग हम इन सेक्शंस को देखेंगे तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन वन से सेक्शन 111 क्या कह रहा है सेक्शन 111 की हेडिंग है ऑर्डर टू बी मेड सेक्शन 111 बात कर रहा है ऑर्डर के बारे में ये सेक्शन क्या कह रहा है जो मजिस्ट्रेट हैं जो कि सेक्शन 107, 108, 109 एंड 110 में एक्ट कर रहे हैं कौन सा मजिस्ट्रेट इन सेक्शंस में एक्ट कर रहा था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन सेक्शन में एक्ट करता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है इन सेक्शंस में एक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर लगता है डीम सिट नेसेसरी उनको लगता है कि किसी पर्सन को काजेज शो करने के लिए बोला जाए सभी सेक्शन के अंडर सेक्शन वन हंड्रेड सेवन एट नाइन एंड टेन इन सेक्शंस में अगर मजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी पर्सन को बोला जाए कि कॉजेज़ शो करो कि तुम्हारे अगेंस्ट एक बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर क्यों ना दिया जाए सेक्शन 107 से लेकर 110 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है किसी पर्सन को ये कह सकते हैं कि तुम बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाओ तीन साल के लिए एक साल के लिए विद विद विद, विद, विद श्योरिटीज़ करवाओ विदाउट श्योरिटीज़ करवाओ तुम जो है पीस या फिर गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाओ एंड इन सेक्शंस में अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि सामने जो पर्सन है उसको कोजिज शो करने का ऑर्डर किया जाए कि वो कोजेज शो करे कि उसके अगेंस्ट क्यों बॉन्ड ना एग्जीक्यूट किया करने का ऑर्डर दिया जाए तो इस सेक्शन में वो ऑर्डर दिया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग वो राइटिंग में ऑर्डर करेंगे उस पर्सन को सेटिंग फॉर सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सेटिंग फॉर मतलब कि डिस्क्राइब करेंगे उस ऑर्डर में वो कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उस पर्सन के अगेंस्ट एंड वो जो अमाउंट है वो जो पर्सन है कितना अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा किस टर्म के लिए वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा कर, मतलब कब तक वो फोर्स में रहेगा एंड नंबर करेक्टर एंड क्लास ऑफ श्योरिटीज़ इफ़ एनी रिक्वायर्ड उस जो ऑर्डर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एक् श्योरिटीज़ हैं उनका नंबर लिखेंगे कितनी श्योरिटीज़ होंगी करेक्टर क्या होगा उनका क्लास क्या होगा सेक्शन 111 का जो ये ऑर्डर होता है इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं सभी जो है चीज़ें लिखेंगे आगे के जो सेक्शंस हैं सेक्शन 111 से जो आगे सेक्शंस हैं उनमें ये प्रोविज़न है कि वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहे हैं वो आगे उस पर्सन को सर्व किया जाएगा फिर वो कोसिश शो करेगा प्रोसीडिंग चलेगी कि फिर ये जो है डिसीजन लिया जाएगा कि उसके अगेंस्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जाए या फिर ना दिया जाए आगे इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्ट है इस सेक्शन का वो सिर्फ ये नहीं है कि ये दिखाना कि मजिस्ट्रेट ने अपना जो माइंड है वो अप्लाई करा है उस सरकमस्टांस में उस केस में उस केस में बट साथ के साथ इस जो सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये भी है टू लेट दी पर्सन प्रोसीड अगेंस्ट टू नो द चार्जेस अगेंस्ट हिम सो दैट ही कैन आंसर इट इन हिज शो कोस इस परसन इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये भी है सेक्शन वन हंड्रेड इलेवन के ऑर्डर का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि सामने जो पर्सन है ना जिसको ये बोला जा रहा है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जा रहा है उसको ये पता चले कि मेरे अगेंस्ट चार्जेस क्या हैं वो उसके पास ऑर्डर जाएगा उसको तब तक तब पता चलेगा ना कि क्या इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है मेरे अगेंस्ट क्या चार्जेस हैं तभी तो वो कॉजेज शो करेगा ना तो सेक्शन वन हंड्रेड एलेवन के जो ऑर्डर है जो सेक्शन वन हंड्रेड इलेवन में जो ऑर्डर होता है उसका ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट ये है अलाहाबाद कोर्ट ने सेक्शन 111 के जो प्रोविजंस हैं इनको मैंडेटरी बोला है एंड अगर नॉन कम्प्लाइंस होता है सेक्शन 111 के ऑर्डर का तो वो सिर्फ इरेगुलरिटी नहीं है आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वॉइड हो जाएंगी ये जो जहीर अहमद वर्सेज़ गंगा प्रसाद के केस में अलाहाबाद कोर्ट ने हेल्ड किया है क्योंकि अगर उसको ऑर्डर मिलेगा तभी तो वो अपना रिप्लाई तैयार कर पाएगा ना कोजेज़ शो कर पाएगा कि उसके अगेंस्ट उसको क्यों ना बोला जाए बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए तो ये जो आलावा हाई कोर्ट ने इसके प्रो, इनके प्रोविजन को सेक्शन 111 के प्रोविजन को मैंडेटरी कहा है आगे सेक्शन 112 सेक्शन 112 हंड्रेड ट्वेल्व की एडिंग है प्रोसीजन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट अगर वो जो पर्सन है जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर किया गया सेक्शन 111 में वो प्रेजेंट है कोर्ट में तो वो जो ऑर्डर होगा सच ऑर्डर शेल बी रेड ओवर टू हिम और इफ़ ही सो डिज़ायर सब्सटेंस देयर ऑफ शेल बी एक्सप्लेन टू हिम अगर वो जो पर्सन है जिसके रिस्पेक्ट में 111 में ऑर्डर किया गया ना वो पर्सन प्रेजेंट है कोर्ट में तो वो जो ऑर्डर है उस उसके आगे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो पढ़ेंगे एंड अगर वो चाहता है कि उसको सब्सटेंस एक्सप्लेन किया जाए कि उस ऑर्डर में क्या क्या है क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसके अगेंस्ट कितने अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर होगा ये सब अगर वो चाहता है एक्सप्लेन किया जाए उसको तो उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा वो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इज़ मेड इज़ प्रेजेंट इन कोर्ट यहाँ पर जो वर्ड कोर्ट यूज़ किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ये जो सभी प्रोसीडिंग है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने हो रही है अमेंडमेंट आया था पहले ये जो प्रोसीडिंग थी जुडिश जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने हुआ करती थी तभी ये जो वर्ड है कोर्ट यूज़ किया गया है इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है अब जो ये प्रोसीडिंग है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होती है यहाँ पर ये जो वर्ड है कोर्ट इसको अमेंड नहीं किया गया था अमेंडमेंट में सेक्शन 113 क्या कह रहा है समन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट अब यहाँ पर ये जो पर्सन है सेक्शन 112 में तो ये प्रेजेंट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बट अगर वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने तो सेक्शन 113 में जो है उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं इफ सच पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट द मजिस्ट्रेट शैल इशू ए समन तो उसके अगेंस्ट जो है समन Uh, जारी किया जाएगा रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर उसको बोला जाएगा कि अपीयर करो और वेन सच पर्सन इज़ इन कस्टडी अगर वो पर्सन कस्टडी में है ए वॉरेंट डायरेक्टिंग दुल ऑफिसर इन हुज कस्टडी ही इज़ टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट ठीक है अगर वो प्रेजेंट नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने तो उसके लिए सामान इशू किए जाएंगे ताकि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने आ जाए एंड वारंट उस केस में इशू किए जाएंगे जब वो किसी ऑफिसर uh, की कस्टडी में है फिर वो जो ऑफिसर है जिसकी वो कस्टडी में वो पर्सन है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को लेके आएंगे ये सब प्रोविजंस इसलिए हैं कि सेक्शन 111 में जो ऑर्डर पास किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ने वो उसको पढ़ के सुनाया जाए उसके ए, कानों में पड़ जाए वो ऑर्डर ताकि वो कोजिश शो कर सके कि उसको क्यों ना बोला जाए बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए आगे यहाँ पर प्रोवाइजो हो इस सेक्शन का प्रोवाइडेड एट वेयर वेन एवर इट अपीयर टू तो सच मजिस्ट्रेट अपॉन द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और अदर इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी मजिस्ट्रेट को लगता है पुलिस ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन पर या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन पर दैट देर इज़ रीज़न टू फियर द कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस कि पीस का डिस्टोशन हो सकता है एंड दैट सच ब्रीच ऑफ पीस कैन नॉट बी प्रवेंटेड एंड वो जो ब्रीच ऑफ पीस है वो प्रवेंट नहीं हो सकता अदरवाइज देन बाई इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सच पर्सन ब्रीच ऑफ पीस की वहाँ पर uh, डर है ये लग रहा है सस्पेक्ट हो रहा है कि ब्रीच ऑफ पीस वो सामने वाला जो पर्सन कोई ना कोई ऐसा ऑफेंस करेगा जिससे ब्रीच ऑफ पीस होगा एंड वो जो ब्रीच ऑफ पीस जो है प्रवेंट नहीं हो सकता जब तक सामने वो जो पर्सन है उसको अरेस्ट ना किया जाए तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम इशू ए वॉरेंट फॉर रिजन तो वो जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पर उस पर्सन के अरेस्ट के लिए वारंट इशू कर देंगे नॉर्मली तो समन इशू किया जाएगा उस पर्सन के लिए नॉर्मली तो समन इशू किया जाएगा बट अगर ऐसा लग रहा है ये सस्पेक्टेड है इसके पीछे रीजंस हैं कि वो जो पर्सन है वो पीस का डिस्टोशन करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वारंट का भी ऑर्डर कर सकते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट का आगे सेक्शन वन ये सेक्शन बात कर रहा है इस सेक्शन की हेडिंग है कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अ कंपनी समन और वारंट जो तो जो भी समन या फिर वारंट इशू किया जाएगा ना सेक्शन 113 में इससे सेक्शन जो ये प्रीवियस सेक्शन था इसमें अगर समन और वारंट इशू किया जा रहा है शेल बीपनी बाय कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन वन तो वो जो जो भी समन या फिर वारंट होगा वो अ होगा उसके साथ जो है सेक्शन 111 के ऑर्डर की जो कॉपी है वो भी अटैच होगी अ कंपनी होगी एंड सच कॉपी शेल बी डिलीवर्ड बाय ऑफिसर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग सच समन और वारंट एंड वो जो कॉपी है वो डिलीवर होगी जो भी वो समन सर्व कर रहा है ना पर्सन वो साथ में सेक्शन वन हंड्रेड एलेवन के ऑर्डर की कॉपी भी लगाएगा एंड वो सर्व करेगा समन फिर उस ऑर्डर की कॉपी के साथ एंड अगर वारंट कोई एग्जीक्यूट कर रहा है जो भी ऑफिसर है वो वारंट के साथ वो कॉपी लगा के फिर वारंट जो है वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा सामन सर्व करते टाइम भी एंड वारंट एग्जीक्यूट करते टाइम भी मतलब जब उसको अरेस्ट कर रहा है तब भी वहाँ पर सेक्शन वन हंड्रेड एलेवन का ऑर्डर वहाँ पर उस वारंट के साथ अकम्पनी होगा इसका मेन रीज़न यही है कि सामने वो जो पर्सन है वो कॉजेज अपने प्रिपेयर कर ले शो करे कि उसको क्यों ना बोला जाए बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लैंड उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसके अगेंस्ट क्यों समन या फिर वारंट का ऑर्डर किया जा रहा है सेक्शन 111 की जब वो कॉपी देख लेगा आगे यहाँ पर सेक्शन 115 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस हेडिंग से ही पता चल रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है डिस्पेंस करने की ओमिट करने की कि कोई पर्सन जो है पर्सनली ना आकर वो प्लीडर के थ्रू भी आ सकता है मजिस्ट्रेट में इफ़ ही सी सफिशिएंट कोज मजिस्ट्रेट के पास अगर सफिशिएंट कोज है डिस्पेंस विद दी पर्सनल अटेंडेंस वामिट कर सकते हैं उस सामने वो जो पर्सन है उसको जिसको भी बोला गया है कोज़ शो करने के लिए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो उसकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि वो पर्सनली आके ये कॉजेज़ शो करें कि वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर और पर्सनली आके ये सब कुछ ना बताए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो पर्सनली ना आकर प्लीडर के थ्रू भी अगर उसको परमिट करना चाहते हैं मजिस्ट्रेट वो आप पर सेक्शन 115 में परमिट कर सकते हैं मे परमिट हिम टू अपीयर बाय प्लीडर उस परस उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट वन हंड्रेड एलेवन का ऑर्डर किया गया है उसका जो है प्लीडर आके वकील आके बता देगा कि इस पर्सन के अगेंस्ट क्यों ना बॉन्ड एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर किया जाए सेक्शन वन हंड्रेड फिफ्टीन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये भी परमिट कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन वन हंड्रेड सिक्सटीन है देखिए सेक्शन वन हंड्रेड सिक्सटीन के बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में देखिए इस सेक्शन में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो जो पर्सन है जिसको बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया है उसके अगेंस्ट जो इंक्वायरी का जो सारा प्रोसीजर है, है वो इस सेक्शन 116 में बताया गया है तो so, सब सेक्शन वन क्या कह रहा है वन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 111 हैज़ बीन रीड और एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 112 टू ए पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट जब जो ऑर्डर है सेक्शन 111 का वो सेक्शन 112 में जो पर्सन जो प्रेजेंट होता है कोर्ट में उसको पढ़ के सुना दिया गया और या फिर जब जो वो पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया गया इन कंप्लायंस विद एग्जीक्यूशन और समन ऑफ वारंट इश्यू अंडर सेक्शन 113 या तो वो जो सेक्शन 111 का ऑर्डर है वो जो सामने जो पर्सन है वो प्रेजेंट है कोर्ट में उसको पढ़ के सुना दिया गया या फिर सेक्शन 113 में जब जहाँ पर सेक्शन 113 में ऑर्डर होता है कि उस पर्सन को समन किया जाता है या फिर वारंट इशू किया जाता है फिर वो पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लेके कर आया जाता है सेक्शन 113 में उसको वो ऑर्डर पढ़ के सुना दिया गया तो दोनों ही केसेस में जब भी वो जो पर्सन है प्रेजेंट होगा मजिस्ट्रेट के सामने तो सेक्शन 111 का ऑर्डर उसको पढ़ के सुनाया जाएगा रीड किया जाएगा एक्सप्लेन किया जाएगा उसके आगे कि क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कितनी कितने अमाउंट का वो बॉन्ड एग्जीक्यूट का उसको ऑर्डर दिया जा रहा है सब कुछ श्योरिटीज़ कितनी होंगी वो सब कुछ उसको पढ़ के सुनाया जाएगा ना मजिस्ट्रेट उसके बाद क्या होगा मजस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इं टू ट्रुथ ऑफ इन्फार्मेशन मजिस्ट्रेट जो है प्रोसीड proceed करेंगे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे टू इंक्वायर किस बात की, की प्रोसीडिंग टू इंक्वायर इन टू द ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन इस बात की प्रोसीडिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे एक्शन लिया जा रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट वो सच्ची है या फिर नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है जिसके बिहाफ पे एक्शन लिया जा रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट क्या वो इन्फॉर्मेशन सच्ची है या नहीं है वहाँ पर इस सेक्शन में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस में नेसेसरी मजिस्ट्रेट जो है एविडेंस भी ले सकते हैं जैसे उनको नेसेसरी लगे सब सेक्शन टू क्या कह रहा है ये जो इंक्वायरी स्टार्ट होगी ना इस सेक्शन में as nearly as may be practicable in the manner here and after prescribed for conducting trial and recording evidence in summon cases वो जो inquiry start होगी वो किस accordance में होगी किस तरीके से होगी जैसे कि trial होता है summon case का वैसे ही वो inquiry होगी मतलब कि जैसे कि समन केस में ट्रायल चलता है ना वैसे ही वो इंक्वायरी चलेगी समन केस में ट्रायल कैसे चलता है चैप्टर 20 सेक्शन 251 से लेकर 259 में इस बारे में प्रोसीजर बताया गया प्रोविजंस बताए गए हैं आगे सबसेक्शन थ्री आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन वन वो जो इंक्वायरी है सबसेक्शन वन में जो स्टार्ट हुई है उसके कमेंसमेंट के बाद एंड उसकी कंप्लीशन से पहले उसके कंप्लीट होने से पहले अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इमीडिएटली मेज़र्स लेने चाहिए इमीडिएटली मेजर्स लेने की ज़रूरत है किस लिए फॉर द प्रवेंशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रेंकुलिटी ताकि जो प, पीस का डिस्ट्रॉशन हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके या फिर वो जो ऑफेंस है उसका कमीशन प्रिवेंट किया जा सके या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए मेजर्स लेने जरूरी हैं तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट में फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे रीजंस एंड डायरेक्ट कर देंगे उस पर्सन को जिसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 111 में बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया उसको डायरेक्ट कर देंगे विद और विदाउट शोलिटी उसको डायरेक्ट कर देंगे फॉर कीपिंग कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए फॉर कीपिंग पीस और मेंटेनिंग योर गुड बिहेवियर कि वो पी पीस को मेंटेन करने के लिए या फिर गुड बिहेवियर को मैंटेन के करने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए वो अब अभी वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा देटिल द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी जब तक जो इंक्वायरी है वो उसका कंक्लूजन पर नहीं आते हैं जब तक इंक्वायरी एंड नहीं होती है तब तब तक के लिए वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए एंड उसको कस्टडी में भी डिटेन की, करके रखा जा सकता है अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करवाता और इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन अनटिल इंक्वायरी इज़ कंक्लूडेड एंड अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करवाता तो उसको इंक्वायरी जब तक कंक्लूड नहीं होती है इंक्वायरी का जब तक एंड नहीं होता है कंक्लूजन पे नहीं आती है तब तक भी उसको डिटेन uh, करके रखा जा सकता है कस्टडी में तो बेसिकली ये सेक्शन ग्यारह की इंक्वायरी के बीच में अगर मजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो पर्सन है इस यहाँ पर इस से बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर इसको करने की ज़रूरत है ताकि पीस का डिस्ट्रोशन ना हो कमीशन ना करे ऑफेंस का पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करे तो यहाँ पर तो यहाँ पर ड्यूरिंग इंक्वायरी भी उसको ये ऑर्डर कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आगे प्रोवाइजो दे रखा है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर नॉट बिंग टेकन अंडर सेक्शन वन हंड्रेड एट जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट सेक्शन वन हंड्रेड एट नाइन या फिर टेन में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है या फिर प्रोसीडिंग नहीं ली जा रही है शेल बी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूटेड बॉन्ड उसको नहीं बोला जा सकता कि बॉन्ड वो एग्जीक्यूट करवाए गुड बिहेवियर को मैंटेन करने के लिए ऐसा नहीं कह सक ऐसा नहीं हो सकता तो जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग ली जा रही है इन सब सेक्शंस में सेक्शन 108, 9, 10 में उसी को बोला जा सकता है कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए बी प्रोवाइजो क्या कह रहा है कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड वो जो बॉन्ड की कंडीशन होंगी चाहे वो अमाउंट से रिलेटेड हो या फिर वो श्योरिटीज से रिलेटेड हो या फिर श्योरिटीज़ का नंबर कितना होगा या फिर श्योरिटीज़ की लाइबिलिटी कितनी होगी ये जो सभी कंडीशन है ना उस बॉन्ड की जो ये ड्यूरिंग इंक्वायरी उसको बोला जाएगा जो ये यहाँ पर बोला जा रहा है उस पर्सन को शल नॉट बी मोर ऑनरस देन दो स्पेसिफाइड इन ऑर्डर सेक्शन 111 वो उससे ज़्यादा ऑनरस नहीं हो सकती जो कि सेक्शन 111 में जो ऑर्डर में बताई गई है मतलब ये सेक्शन ये कह रहा है अब जो वो इंक्वायरी चल रही है वो इसी बात को डिसाइड करने के लिए इंक्वायरी चलाई जा रही है ना कि इस पर्सन को बोला जाए बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जाए फिर ना दिया जाए ठीक है अब इस बात को लेकर इंक्वायरी चल रही है अब इंक्वायरी के बीच में अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो पर्सन है ये और कोई ना कोई ऑफेंस करेगा पीस ब्रीच करेगा या फिर पब्लिक सेफ्टी जो है डिस्ट्रॉ करेगा तो तो ड्यूरिंग इंक्वायरी भी उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जा सकता है एंड वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जाएगा ना वो उससे ज़्यादा बर्डन सम नहीं हो सकता उससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो जो अमाउंट जो है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो सेक्शन वन में उसको ऑर्डर दिया जा रहा है क्योंकि सेक्शन 111 में जो ऑर्डर करा गया है उस पर्सन को उसी से रिलेटेड इंक्वायरी चल रही है कि उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जाए या फिर ना दिया जाए उस इंक्वायरी के बीच में जो अगर बोल दिया गया कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करो उसका जो बर्डन है वो सेक्शन 111 में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था आगे जो है सबसेक्शन फोर है सबसेक्शन फोर क्या कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट डेट ए पर्सन इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर इस सेक्शन में अगर ये बोला जा रहा है कि एक पर्सन जो है हेबिचुअल ऑफेंडर है तो एंड वो जो पर्सन है वो डेस्परेट है डेंजर डेंजरस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन है कि उससे जो है सिक्योरिटी लेनी जरूरी है अगर सिक्योरिटी ना ली गई तो वो हज़ारडियस है कम्युनिटी के लिए तो इस बात को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस दिया जाएगा ना वो उसकी जनरल रेपोटेशन का जनरल रेप्यूट का और अदरवाइज या फिर और जो अदर थिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है कोई पर्सन अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उससे बॉन्ड उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जा सकता है सेक्शन 110 में हमने ये पीछे अभी स्टडी किया है पिछली वीडियो में तो तो ये प्रूफ करने के लिए कि वो कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है उन सभी ऑफेंसेस का जो सेक्शन 110 में बताए गए हैं उसके लिए उसकी जनरल रेपूटेशन का एविडेंस एडमिट हो सकता है सब सेक्शन फाइव क्या कह रहा है वेयर टू और मोर पर्सन हैव बीन एसोसिएटेड टूगेदर इन द मैनर अंडर इंक्वायरी यहाँ पर आ, दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन साथ में किसी मैटर में एसोसिएटेड है जो कि इंक्वायरी में है मतलब जो मैटर इंक्वायरी में है ना वो जो मैटर इंक्वायरी में है उसमें दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन एसोसिएटेड हैं मतलब दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन हैं जिनको बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जा सकता है तो दे मे बी डेल्ट विद इन द सेम और सेपरेट इंक्वायरी उनको सेम इंक्वायरी में भी या फिर सेपरेट इंक्वायरी में भी जैसे मजिस्ट्रेट को सही लगे वहाँ पर उनको डील किया जा सकता है उनके साथ उनके लिए सेम दो तीन दो या फिर दो से ज़्यादा पसंद है मान लीजिए चार लोग हैं उनको सेम इंक्वायरी में भी डील किया जा सकता है उनके लिए अलग अलग इंक्वायरी भी मजिस्ट्रेट जैसा जैसे मजिस्ट्रेट को सही लगे वहाँ पे स्टार्ट हो सकती है सब सेक्शन सिक्स क्या कह रहे हैं इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शल बी कंप्लीटेड इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा कि जो इंक्वायरी है इस सेक्शन में सेक्शन वन में ये कंप्लीट हो जानी चाहिए छः महीने के अंदर अंदर छः महीने जब वो स्टार्ट होती है उससे जब सो स्टार्ट होती है वहाँ से छः महीने तक वो इंक्वायरी कम्प्लीट हो जा हो जानी चाहिए एंड इफ सच इंक्वायरी इज़ नॉट सो कम्प्लीटेड अगर वो इंक्वायरी कम्प्लीट नहीं होती है तो प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर शेल वो जो प्रोसीडिंग होगी इस चैप्टर में इस सेक्शन में वो जो छः महीने के बाद स्टैंड टर्मिनेटेड वो जो है प्रोसीडिंग जो है टर्मिनेट हो जाएगी एंड हो जाएगी अनलेस कब वो टर्मिनेट नहीं होगी फॉर स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट नॉर्मली जो नॉर्मल सरकम स्टांस है उसमें छः महीने के बाद जो इंक्वायरी है इस सेक्शन में वो एंड हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी बट अगर मजस्ट्रेट डायरेक्ट कर दें कि छः महीने से ज़्यादा इंक्वायरी चलनी चाहिए तो वहाँ पर वो छः महीने से ज़्यादा भी इंक्वायरी चल सकती है स्पेशल रीजन वहाँ पर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग प्रोवाइडेड एट प्रोवाइज हुआ है यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है प्रोवाइडेड एट वेयर एनी पर्सन हैज़ बिन कैप्टन डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी मतलब किसी पर्सन को जब वो इंक्वायरी पेंडिंग है ना पेंडिंग सच इंक्वायरी तब उस पर्सन को एक जो वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई जा रही है सेक्शन में उसको डिटेंशन में रखा गया द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर शेल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ऑफ सच डिटेंशन तो जो प्रोसीडिंग होगी ना उस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी सिक्स मंथ्स की डिटेंशन के बाद देखिए जो नॉर्मल जो प्रोविज़न है इसमें और इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है उस पर्सन को डिटेंशन में नहीं रखा जा रहा जो ये है प्रोवाइजों से अलग यहाँ पर उस पर्सन को डिटेंशन में नहीं रखा जा रहा बट सिक्स मंथ्स के बाद अगर मजिस्ट्रेट को स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास स्पेशल रीजनस हैं तो वो छः महीने से ज़्यादा भी व जो प्रोसीडिंग है वो इंक्वायरी चला सकते हैं बट इंक्वायरी के दौरान छः महीने हो गए उस पर्सन को डिटेंशन में रखा जा रहा है तो वहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगी इंक्वायरी अब यहाँ पर स्पेशल रीजन नहीं दे सकते मजिस्ट्रेट जो है कि आगे उस इंक्वायरी को फर्दर चलाने के लिए नहीं सिक्स मंथ्स अगर वो डिटेंशन में रहा है पर्सन छः महीने के बाद वो जो इंक्वायरी है अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी सबसेक्शन uh, सेवन क्या कह रहा है कि वेर एनी डायरेक्शन इज़ मेड अंडर सबसेक्शन सिक्स जहाँ पर सबसेशन सिक्स में डायरेक्शन दी गई है कि वो जो प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू होगी जो मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दे दी कि वो जो मज, प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू होगी जो इंक्वायरी वो कंटिन्यू होगी जो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके ये कह दिया कि छः महीने से ज़्यादा ये इंक्वायरी चलेगी तो वहाँ पर क्या होगा सेशन जज जो है ना अगर एग्रीव्ड पार्टी उनके पास एप्लीकेशन लगाती है सेशन जज के पास एग्रिव पार्टी एप्लीकेशन लगाती है तो सेशन जज में वैकेट सच डायरेक्शन इफ़ ही इज सेटिस्फाइड तो सेशन जज जो है वो जो डायरेक्शन दिए ना मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन सिक्स में उसको टर, वैकेट कर सकते हैं टर्मिनेट कर सकते हैं दैट इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन स्पेशल रीजन और वाज पर वर्स सबसेक्शन सिक्स में मजिस्ट्रेट के पास स्पेशल पावर है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं कि छः महीने से ज़्यादा इंक्वायरी चलेगी सेक्शन सब सेक्शन सेवन में सेशन जज के पास स्पेशल पावर है कि वो उस ऑर्डर को जो मजिस्ट्रेट ने दिया है कि छः महीने से ज्यादा इंक्वायरी चलेगी उसको ही टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको लगता है सेशन जज को लगता है कि वो जो इंक्वायरी है स्पेशल रीजन पे बेस्ड नहीं थी या फिर पर थी परवर्स मतलब कि अनरीजनेबल थी अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब सेक्शन सिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है वो देख लेते हैं देखिए सबसेक्शन सिक्स में यह बोला गया है कि वो जो इंक्वायरी है ना Uh, अगर वो कंप्लीट नहीं होती सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट जब वो कमेंस होती है उसके छः महीने के बाद अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो वो इंक्वायरी टर्मिनेट हो जाएगी अनलेस मजिस्ट्रेट जो है स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी ना ये कब होगी हो कि डेट ऑफ कमेंसमेंट से सिक्स मंथ्स तक वो कम्प्लीट हो जानी चाहिए जो ये पीरियड है सिक्स मंथ्स होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता अब जो ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है ऑफ़ कमेंसमेंट ये क्या होगी इससे रिलेटेड यहाँ पर एक पॉइंट देखिए आप डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी अकोर्डिंग टू ये बॉम्बे दिल्ली पटना कलकता राजस्थान एंड उड़ीसा उड़ीसा हाईकोर्ट इनके अकॉर्डिंग हाईकोर्ट डिफरेंट हाई कोर्ट्स का डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो प्रोसीडिंग इन द इंक्वायरी शेल बी डीम टू तो बी कमेंस कमेंसमेंट की डेट क्या होगी जब ऑन द डेट ऑन विच द पर्सन सोट टू बी प्रोसीड अगेंस्ट अ और इज ब्रोड बिफोर द मजिस्ट्रेट जब जब उस, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया गया उसी दिन से ये मान लिया जाएगा कि वो जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो गई है कमेंसमेंट हो गई है वो इंक्वायरी की मतलब सेक्शन 112 में जब वो पर्सन प्रेजेंट होता है उसको ऑर्डर पढ़, पढ़ के सुनाया जाता है फिर या फिर सेक्शन 113 में समन या फिर वारंट के जरिए उसको लेके आ जाता है कोर्ट में जब उसको पढ़ के सुना जा, दिया जाता है वो ऑर्डर उसी दिन से वो इंक्वायरी जो है स्टार्ट हो जाएगी इन सभी हाई कोर्ट्स के अकॉर्डिंग बट अकॉर्डिंग टू केवल हाई कोर्ट केवल हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन वन में जो इंक्वायरी है ना वो कमेंस कब होगी कमेंसेज फ्रॉम द डेट ऑन विच मजिस्ट्रेट स्टार्ट रिकॉर्डिंग एविडेंस जब मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड करने स्टार्ट करेंगे एविडेंस एंड डज नॉट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बोथ पार्टी जब दोनों पार्टीज आ जाती है तब वो स्टार्ट नहीं होगी जब एविडेंस रिकॉर्ड करने लग जाते हैं मजिस्ट्रेट तब वो जो है प्रोसीडिंग माना जाएगा कि इंक्वायरी माना जाएगा कि वो स्टार्ट हो, हो चुकी है उस दिन से वो जो सिक्स मंथ का पीरियड काउंट होने स्टार्ट होगा तो ये दो जो कोर्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है हमने देख लिया अब आते हैं सेक्शन 117 पर नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 117 है सेक्शन 117 की हेडिंग है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी देखिए सेक्शन 116 में जो इंक्वायरी होती है उसका आगे जो कंक्लूजन है वो सेक्शन 117 118 में बताया गया है तो ये सेक्शन क्या कह रहा है इफ़ ऑन अपॉन सच इंक्वायरी सच इंक्वायरी मतलब कि जो इंक्वायरी सेक्शन वन में हुई है अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये जरूरी है पीस को मैंटेन करने के लिए या फिर गुड बिहेवियर को मैंटेन करने के लिए कि वो जो पर्सन है जिसके रिस्पेक्ट में इंक्वायरी चली है सेक्शन 116 में उसको कहा जाए कि वो एग्जीक्यूट करे बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़ तो मजिस्ट्रेट शेल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पर ऑर्डर कर देंगे उस पर्सन को कि तुम बॉन्ड एग्जीक्यूट करो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इंक्वायरी के बाद कि उसको बोला जाना चाहिए कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे पीस uh, मेंटेन करने के लिए फिर गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए आगे प्रोवाइजो क्या कह रहा है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड डैट नो पर्सन शेल बी ऑर्डर टू गिव ए सिक्योरिटी किसी भी पर्सन को ऑर्डर नहीं किया जा सकता कि वो सिक्योरिटी दे जो कि डिफरेंट है नेचर में या फिर जिसका अमाउंट ज़्यादा है लार्जर है या फिर जिसका पीरियड ज़्यादा है लॉन्गर है उससे जो कि स्पेसिफाई करा गया है सेक्शन 111 के ऑर्डर में सेक्शन 111 में ऑर्डर करते हैं मजिस्ट्रेट कि उस पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना है इस टोटल इस पीरियड के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना है वहाँ पर श्योरिटीज़ uh, कितने होंगे सेक्शन 111 में इसका ऑर्डर होता है उसी से रिलेटेड आगे इंक्वायरी चलती है तो अगर इंक्वायरी के बाद ये कंक्लूजन निकलता है इंक्वायरी का ये कंक्लूज़न निकलता है कि उस पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए बोला जाना चाहिए तो वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने का जो उसको ऑर्डर दिया जाएगा वो सेक्शन 111 में जो दिया गया ना ऑर्डर जितनी सिक्योरिटी कर दिया गया जितने अमाउंट का दिया जितने पीरियड का दिया उससे ज़्यादा नहीं हो सकता बी uh, प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शेल बी फिक्सड विद ड्यू रिगार्ड टू सरकम ऑफ द केस जो बॉन्ड का अमाउंट होगा कि कितना अमाउंट का बॉन्ड होगा वो हर एक सरकम केस uh, के सर्कम पे डिपेंड करेगा एंड शेल नॉट बी एक्सेसिव एंड वो जो बॉन्ड का अमाउंट है वो एक्सेसिव में नहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब उस जो वो पर्सन है उसको यूं नहीं कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ बॉन्ड जो है कोर्ट कह दे कि तुम इतना अमाउंट लेके आओ एक्सेस में नहीं होना चाहिए जितना वहाँ पे कोर्ट को फेयर रीजनेबल जस्ट लगे उतना अमाउंट का बॉन्ड उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट सी प्रोवाइजो क्या कह रहा है व्हेन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम इंक्वायरी इज मेड इज़ ए माइनर जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में इंक्वायरी जो चल रही है ना वो माइनर है तो माइनर तो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे तो जो उसके जो श्योरिटीज़ होंगे ना सिर्फ वही बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे है? तो कोई माइनर है अठारह से कम है उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता उसके सिर्फ श्योरिटीज़ को बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने का ऑर्डर दिया जा सकता है सेक्शन 118 सेक्शन 118 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन फॉर्म अगेंस्ट सेक्शन 117 में लिख रखा था कि अगर इंक्वायरी के कंक्लूजन पे ये रिजल्ट uh, uh, ये कंक्लूडेड होता है कि उस उस पर्सन को बोला जाना चाहिए कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए तो ये ऑर्डर दिया जा सकता है सेक्शन 118 में क्या है कि अगर इंक्वायरी जो चल रही है सेक्शन वन में उस इंक्वायरी में ये प्रूव नहीं होता कि ये जरूरी है कि वो जो पर्सन है वो की पीस मेंटेन करने के लिए या फिर गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में इंक्वायरी चल रही है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाई सेक्शन 116 में अगर ये प्रूव नहीं होता है मतलब उसको आ, पीस मेंटेन करने के लिए गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं है ये प्रूव हो जाता है सेक्शन 116 में जो इंक्वायरी चल रही है मजिस्ट्रेट शैल मेक एन एंट्री ऑन द रिकॉर्ड ऑफ दैट टू दैट इफेक्ट मजिस्ट्रेट जो है इस बात की एंट्री कर लेंगे कि उस पर्सन को ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए एंड इफ़ सच पर्सन इज़ इन कस्टडी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अगर वो पर्सन कस्टडी में है सिर्फ उस इंक्वायरी के पर्पज़ के लिए मतलब इंक्वायरी के चलते उसको कस्टडी में डाला गया है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा वहाँ पर एंड इफ सच पर्सन इज़ नॉट इन कस्टडी अगर वो पर्सन कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे देखिए यहाँ पे जो यह वर्ड है डिस्चार्ज इसका जो यूज़ है वो जनरल सेंस में किया गया है डिस्चार्ज कब बोलते हैं किसी पर्सन को कि वो डिस्चार्ज हो गया है मान लीजिए एफ होती है एफ़ के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट ये चेक करते हैं कि चार्जेस कुछ हैं या फिर नहीं है इस पर्सन के अगेंस्ट अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं है तो वो उस पर्सन को वहाँ पर डिस्चार्ज कर देते हैं वहाँ जो वर्ड है डिस्चार्ज वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे जो इसका यूज़ किया गया वो जनरल सेंस में किया गया ये इंक्वायरी में डिस्चार्ज किया जा रहा है यहाँ पर जो यूज़ है ये जनरल सेंस में हो रहा है सेक्शन 119 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड तो वो पीरियड कब कमेंस होगा जिस पीरियड के लिए सिक्योरिटी चाहिए मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए उस पर्सन को सिक्योरिटी के लिए बोला जाएगा बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए बोला जाएगा वो जो पीरियड है उस कमेंट्स कब होगा वो इस सेक्शन में बताया गया है इफ़ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एंड ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 117 अगर किसी पर्सन को बोला गया है सिक्योरिटी के लिए सेक्शन वन में या फिर सेक्शन वन में सेक्शन वन में कब बोला जाता है किसी पर्सन को जब कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जब वो सेंटेंस सुना रहे होते हैं सेंटेंसिंग के टाइम कन्विक्शन जब कर रहे होते हैं उस टाइम पर अगर लगता है कि इसको इस पर्सन को पीस मेंटेन करने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो सेक्शन 116 में ऑर्डर होता है एंड सेक्शन 117 में अभी हमने डिस्कस करा कब ऑर्डर होता है सेक्शन 117 में तब ऑर्डर होता, होता है जब कोई भी केस हो सेक्शन 107 से लेकर 110 का इसका कोई भी केस एंड उस पर्सन को सिक्योरिटी के लिए बोला गया है मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए बोला गया है तो जब उस पर्सन को सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर दिया गया है इज एट द टाइम ऑफ सच ऑर्डर इज मेड उस ऑर्डर के टाइम वो जो पर्सन है सेंटेंस टू और अंडर गोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रेसेंटमेंट उस पर्सन को वहां पर सेंटेंस दिया गया या फिर ही इज अंडर गोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रेसेंटमेंट मतलब वो जेल काट रहा है वहां पर तो बेसिकली अगर उसको सेंटेंस दिया गया है तो वो जो पीरियड है ना Uh, जिस पीरियड के लिए सिक्योरिटी रिक्वायर की गई है उस पर्सन से वो जो पीरियड कमेंस कब होगा शेल कमेंस ऑन दी एक्सपायरी ऑफ सच सेंटेंस जब वो सेंटेंस एक्सपायर हो जाएगा तब वो जो पीरियड है जिसके लिए उसको सिक्योरिटी के लिए बोला जाएगा बोला गया है वो तब कमेंस होगा अब मान लीजिए कोई पर्सन है उसको सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर दे दिया गया ये टू इयर्स का पीरियड है उसको बोला गया कि ये दो साल दो साल के लिए तुमको बॉन्ड एग्जीक्यूट सिक्योरिटी रिक्वायर करी गई उस पर्सन से अब ये जो ये पीरियड है ना इसके इस टाइम पर ये जो पीरियड है इस पीरियड में वन ईयर के लिए उसको सेंटेंस सुनाई गई है वन ईयर के लिए वो उसको सेंटेंस सुनाई गई है एंड वो इम्प्रजनमेंट में है तो जो ये बोन का जो ये पीरियड है ना वो कब कमेंस होगा ये जो ये वन ईयर की जो ये इम्प्रजनमेंट है ना ये यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगी यहाँ से इस डेट से लेकर आगे दो साल तक जो ये दो साल है यहाँ पर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक यहाँ दो साल उसका बॉन्ड यहाँ यहाँ पे स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे दो साल के बाद वो जो बॉन्ड का पीरियड है यहाँ पर एंड हो जाएगा आगे सबसेक्शन टू यहाँ पर क्या कह रहा है uh, सबसेशन टू कह रहे हैं इन अदर केसेस सच पीरियड शेल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर सब रीजन फिक्स ए लेटर डेट दूसरे केसेज में ये जो सेक्शन वन और वन से जो अलग केसेज होंगे इन केसेज में वो जो पीरियड होगा ना उस बॉन्ड का वो कमेंस होगा वो स्टार्ट होगा जब उस बॉन्ड के लिए ऑर्डर दिया गया है उस डेट से वो स्टार्ट होगा पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशेंट रीज़न है तो वहाँ पर लेटर डेट मतलब कोई और डेट भी वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं ये अदर केसेस कौन से होंगे इन दोनों केसेस के अलावा अदर केसेस कौन से होंगे जब सेक्शन 116 हंड्रेड सिक्सटीन सबसेक्शन थ्री में एक एग्जांपल है कि जब इंक्वायरी के ड्यूरिंग इंक्वायरी के दौरान ही बोला जाता है किसी पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए तो वो अदर केसेस में आ जाएगा तो जब वो ऑर्डर दिया गया ना उसी डेट से माना जाएगा कि बॉन्ड का पीरियड कमेंस हो गया स्टार्टिंग होगी बॉन्ड के पीरियड की सिक्योरिटी के पीरियड की सेक्शन वन ट्वेंटी की हेडिंग है कंटेंट ऑफ बॉन्ड ये क्या कह रहा है बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शेल बाइंड हिम टू कीप दी पीस और टू बी ऑफ गुड बिहेवियर अगर बॉन्ड किसी पर्सन ने एग्जीक्यूट करा तो वो जो बॉन्ड है उसको बाइंड करेगा कि वो पीस को मेंटेन की पीस को मैंटेन करके रखे गुड बिहेवियर को मैंटेन करके रखे एज द केस में लेटर केस द कमीशन अटेम्प्टू कमिट ऑल देंट एंड अगर वो कमिट कमीशन करता है किसी ऑफेंस का या फिर अटेम्प्ट है किसी ऑफेंस को कमिट करने का है, फिर अबैटमेंट करता है किसी ऑफेंस का जो ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रजनमेंट के साथ इट इज़ ए ब्रीच ऑफ द बॉन्ड तो बॉन्ड अगर किसी पर्सन ने एग्जीक्यूट करा तो वो बॉन्ड उसको बाइंड करता है कि वो पीस मेंटेन करके रखे गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखे अगर वो कमीशन करता है अटेम्प्ट करता है फिर अबैट करता है किसी ऑफेंस का तो वो ब्रीच हो जाएगा उस बॉन्ड का एंड अगर ब्रीच हो गया उस बॉन्ड का तो वहाँ पर उसको उसके अगेंस्ट क्या क्या हो सकता है उसको जेल में डाला जा सकता है फर्स्ट एंड उसका जो बॉन्ड है वो फॉरफिट हो सकता है उसके जो श्योरिटीज़ हैं उसका बॉन्ड फॉरफिट हो सकता है ये सब जो है उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं सो so ये वीडियो हमारी एंड होती है सेक्शन 111 से लेकर 120 तक हमारे कंप्लीट होते हैं सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है होप्स आपको ये सभी सेक्शन समझ आए होंगे वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सी आर से रिलेटेड सभी वीडियोज़ इससे पहले हैं अपलोडेड हैं एंड जो फर्दर वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू रहेंगी आप प्ले में जाके चेक कर सकते हैं जो वीडियोस आ चुकी हैं यू कैन वॉच देम एंड और भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी इंडियन एवेलेंस एक्ट आईपीसी पी पी सब की जो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं सो यही था लिए दैट वाज इट फॉर टुडे हैव फो नाइस डे